आज है फ्राइडे और अब सैटरडे संडे मंडे लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन की छुट्टी है और बहुत से लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं आज होली मनाने के लिए। लग रहा है काफी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे शहर अपने घर। अगले 2-3 दिन में शहर खाली हो जाएगा 10-15%। होली या दिवाली पे घर जाने की जो खुशी होती है ना वो सिर्फ वही समझ सकता है जो घर से दूर जॉब करता है या घर से दूर कोई स्टूडेंट रहता है। एक अलग ही खुशी होती है घर जाने की स्पेशली दिवाली पे, पर होली भी कम नहीं है। स्प्रिंग सीजन फ्राइडे की दोपहर कुछ लोग ऐसे गाड़ी के अंदर टी शर्ट लाते हैं और फिर पेड़ के नीचे 200 रुपीज पर पीस। क्या सही पेड़ लग रहे हैं, इतना अच्छा मौसम है ना, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर, mid-20s। फुटपाथ पे अपने आप ही फूल उगाते हैं इस सीजन के अंदर कितने अच्छे लग रहे हैं। आज मूवी रिलीज हुई है वीर सावरकर देखते हैं कैसी है। पेट्रियोटिक मूवी वैसे भी दोपहर में देखनी चाहिए एक और भी मूवी रिलीज हुई है मडगांव एक्सप्रेस, वो देखेंगे रात में उसकी वाइब वैसी ही है रात में देखने वाली। रिव्यूज तो अभी आए नहीं है मूवी के तो इसलिए पता नहीं कैसी है फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस ही है। स्टार्ट तो हुई नहीं है वैसे भी। जिंदगी के कई रंग और कई रंग की जिंदगी, दोनों के मजे लीजिए। आइए आइए सीधे चले। ये तो पूरा हॉल ही खाली है पर कोई पराया नहीं यहाँ पूरे। अभी मैं मूवी देखने आया हूँ वीर सावरकर जो बुक माई शो पे हाउसफुल दिखा रहा है और पूरे थिएटर में सिर्फ 3 लोग हैं एक ये, एक मैं और पीछे फाइनली कुछ लोग आ तो रहे हैं पर हाउसफुल किसी भी तरीके से नहीं होने वाला जैसा बुक माय शो पे दिखा रहा था। तो गाना गा। मैंने बुक माय शो पे 240 का शो बुक करा था वीर सावरकर का, ये अभी 710 का दिखा रहा है, 240 वाला तो अभी स्टार्ट होने वाला है, 710 में दिखा रहा है हाउसफुल, ऐसे 240 में दिखा रहा था पर रियल में ऑक्यूपेंसी पूरे हॉल में 10 लोग पक्की और ऑनलाइन दिखा रहा हाउसफुल। कोई नहीं रोक सकता और आप सब प्लीज उस शैतान को रोकिए ताकि वो बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस ना खराब करे। जो लोग मूवी के अंदर फोन यूज करते हैं ना उसको शैतान बोल रहा है माधवन इसकी तो जीभ काटती थी ना जब देवगन ने मूवी में। दूर दूर तक के राजाओं को पता चल गया था कि अगर राजा राम के साथ गलत करोगे। इससे बोरिंग मूवी तो इस साल आई नहीं होगी मेरे ख्याल मतलब एक होती है बोरिंग सुलाने वाली, एक उससे भी ज्यादा बोरिंग मुझे लगता है मैं पूरी मूवी भी झेल पाऊंगा अभी 1.5 घंटा हो गया और अभी इंटरवल ही हुआ है बोरिंग से बोरिंग मूवीज देखी है लाइफ में पर वीर सावरकर ने सबको बीट कर दिया है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोरिंग मूवी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। पहली बार मैं मूवी बीच में छोड़ के आया हूँ इस साल में इससे बढ़िया शाम को जाके IPL देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी इससे। लाइफ में बहुत बोरिंग मूवीज देखी है पर वीडी सावरकर टॉप करेगी उनमें से।
खुद ही अरेस्ट हो जाता है सावरकर उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लंदन जाता है जहाँ पे ऑलरेडी और रेवोल्यूशनरीज रह रहे होते हैं, मदनलाल डींगरा किसी ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर का मर्डर कर देता है, कैसे बम बनाते हैं वो इंडिया के अंदर भेजते हैं, टेक्नोलॉजी खुदीराम बोस और एक दो और कुछ इंडिया के अंदर मर्डर्स करते हैं, उसके बाद सावरकर खुद ही अरेस्ट हो जाता है ये सोच के कि उसका ट्रायल लंदन में होगा, और उसको भेज देते हैं इंडिया, ट्रायल फिनिश करके उसको भेज देते हैं काला पानी। बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर उस लिस्ट में बहुत नीचे आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मूवी बोरिंग बहुत है। मूवी तो हो गई है ख़त्म, अभी चलते हैं देखने IPL ओपनिंग सेरेमनी प्लस मैच ज़्यादा ज़रूरी वही है लाइफ की सबसे बोरिंग मूवी सोचो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो VD सावरकर मूवी मिल जाएगी। इट वॉज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। मूवी समझ में ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, ऐसे जंप कट्स हैं एक के बाद सीन के अंदर डेट और टाइम लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग फिर मूवी के सीन्स है। ड्रीम इलेवन पे टीम बना ली है, दो टीम सेलेक्ट कर ली है और अभी जाके देखते हैं कुछ जीतते हैं नहीं जीतते आज। एक टीम में कैप्टन है CSK वर्सेस RCB, माई टीम्स। एक के अंदर कैप्टन है शार्दुल ठाकुर और वाइस कैप्टन शिवम दुबे। एक के अंदर कैप्टन है रविंद्र जडेजा, वाइस कैप्टन कैमरून ग्रीन। 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, अभी बज गए 5, पता नहीं कौन परफॉर्म कर रहा है इस साल जाके पता चलेगा। चलते अभी जल्दी से घर, मेरा हंच ये कह रहा जीतेगा RCB क्योंकि जैसे CSK की कैप्टनसी 2 दिन पहले छोड़ी ना धोनी ने, लग नहीं रहा जीतेगी CSK। आज मैच कौन जीतेगा, CSK RCB? RCB RCB फैंस लग तो मुझे भी रहा RCB जीतेगी और कोई बड़ी बात नहीं, इस साल ट्रॉफी भी जीत जाए RCB। जिस हिसाब से WPL जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आया ना टीम के अंदर, लग रहा है कि बेबी लक मिलने वाला है इस बार कोहली को नाम क्या उसके बेटे का, अकाय कोहली। एक्चुअली में आज मेरा मूवी देखने का कुछ खास मन था ही नहीं IPL की इतनी एक्साइटमेंट है तो उस लेंस से देख रहा था मैं मूवी, और फिर ऊपर से मूवी ने कुछ कमाल कर दिया ऐसा तो सोने पे सुहागा हो गया आज तो, नहीं तो जनरली मैं कभी मूवी बीच में छोड़ के आता नहीं हूँ पोएटिक जस्टिस। पूरी मूवी में एक जगह तो हंसी आती है जब एक ब्रिटिशर बोलता है पोएटिक जस्टिस। इस रोड पे फ्राइडे को इतना ट्रैफिक होता है जिसकी हद नहीं, और आज एकदम खाली है क्योंकि लोग बैग भर भर के घर जा रहे हैं और बहुत से लोग जा चुके हैं। लॉन्ग वीकेंड, और जो नहीं गए हैं वो जाने की तैयारी में है प्यार कर लो ये उम्र प्यार है, प्यार इतना सच हर खुशी है, हर खुशी है, याहू 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 या अल्लाह।
प्यार से प्यार कर लो, ये उम्र प्यार की है, प्यार बिना क्या जीना। What a beautiful sunset. प्यार से प्यार कर लो, ये उम्र प्यार की है, प्यार बिना क्या जीना, वो भी कोई जिंदगी है। प्यार जिंदगी है, प्यार हर खुशी है, हर खुशी है। याहू 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 या अल्लाह। ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुए, 15 मिनट हो गए, बस पहुंचने वाले हैं अब। एंड देन द फर्स्ट गेम ऑफ आईपीएल 2024। आरसीबी जीतेगा वैसे आज। इस बार जियो सिनेमा में एक नई चीज आई है, ऑडियो हरियाणवी इंक्लूसिविटी। ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट नहीं किया अभी। Because form is not to do with how you think, and also the sound that you hear off the bat, that sound was sweet. And when you're hitting the ball well, sometimes you're scoring runs. Opening ceremony start nahi shayad abhi.